हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के फैन टू प्ले पावर्ड फैंटेसी मैच प्रीव्यू में। ये गेम होगा हैदराबाद वर्सेस लखनऊ के बीच, एंड ये गेम होगा हैदराबाद के ग्राउंड पर। आज है हमारे साथ निखिल भाई, एंड आज हम देखेंगे कि ये दोनों की टीम्स की जो होम ग्राउंड है वहां पे काफी ऑड पिचेस हुई है। तो क्या लगता है आपको निखिल भाई, आज का गेम कैसा रहेगा एंड कितने रन बनेंगे आज ट्रैक पर? बस ये याद रखो, आज स्पिन कटर वेरिएशन, क्योंकि बैटिंग पे तो भरोसा है नहीं ना ना दोनों बैटिंग टीम को है ना, और हमें उन पे। और दोनों ही टीम ने स्ट्रगल करा है, वैसे लेफ्ट आर्म स्पिन हो जाए, रिस्ट स्पिन हो जाए, तो ऑप्शन दोनों ही टीम के पास बहुत है। और हैदराबाद की पिच रही है 150-160 वाली, तो अगर 140 भी बन जाए तो भी लखनऊ तो वैसे भी डिफेंड चेज नहीं कर पा रही है। तो शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम, प्रॉब्ली द गेम दैट वी लाइक, क्योंकि ऑलराउंडर, स्पिनिंग ऑलराउंडर्स। जय माता दी। यस एब्सोल्युटली। तो वही पॉजिटिव नोट पे चलते हैं, पहले वेन्यू कंडीशंस की तरफ। तो ये है ग्राउंड डायमेंशन इस गेम के लिए, एंड जैसा आप देख सकते हो एक तरफ है 56-60 मीटर्स, वाइल दूसरी तरफ 73-63-69 मीटर्स। तो डिसेंटली लॉन्ग बाउंड्रीज, ऐसा नहीं कहेंगे कि बाउंड्रीज कोई भी एंगल से शॉर्ट है। सो स्पिनर शुड बी इन द गेम लाइक निखिल भाई मेंशन्ड। एंड एज फार एज द ट्रैक इज कंसर्न, ट्रैक थोड़ा बहुत स्लो रहा है, कटर्स को मदद मिली है, एंड हम वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस गेम में भी। बिल्कुल। और देखो, जैसे दो बैटिंग यूनिट्स हैं, आपको पता है कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो फॉर्म में है, तो उनको तो आप नहीं रिस्क लोगे छोड़ने का। जैसे क्लासेन फॉर्म में रहे हैं तो उन पे रिस्क लेके मतलब नहीं है। काइल मेयर्स रन बना रहे, कैसे बना रहे कांट फिगर आउट अ लॉजिक, बट रन बन रहे, अच्छा खेल रहा है, Those फॉर्म last 10 seconds are exactly the feeling that Kyle Mayer gives everyone. मतलब आपको जिस दिन लगेगा कि आज ये नहीं चलेगा, उस दिन भी ये चल जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टूर्नामेंट्स में ऐसा फेज होता है जहाँ पे यू हैव टू टेक द फॉर्म प्लेस, फिर वो नहीं चलते तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर फॉर्म से मस्ती नहीं, तो हम भी फॉर्म से मस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि वो बॉलिंग भी कर सकते हैं और हमने देख लिया ऑलरेडी। और ये दोनों टीम के पास बहुत बॉलिंग ऑप्शन है। वेरी कीन टू सी अगर अकील खेलते हैं कि नहीं, क्योंकि वो हमें बताएगा कि वॉट इज द वेन्यू अबाउट, क्या वेन्यू पे स्पिन अगर और असिस्ट अगर अकील खेलते हैं तो आई विल बी वेरी कीन टू पिक अकील, नहीं तो फिर माको यानसेन तो है ही नए बॉल से वैल्यू के लिए। यस एब्सोल्युटली, इंटरेस्टिंग रहेगा। प्लेइंग इलेवन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि प्लेइंग इलेवन से आपको ये हिंट मिल जाता है कि कैप्टन जी एंड मैनेजमेंट ट्रैक के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि जो हम करेक्ट, सोचते हैं उससे एंड ऑफ द डे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो ट्रैक वहां रिलेड है उससे फर्क पड़ेगा, और ना वो बराबर। फर्क उससे फर्क पड़ेगा कि ब्रॉडकास्टर्स क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं वो ना हमें पता है ना मैनेजमेंट को। तो चलते हैं बेस टीम की तरफ। बेस टीम स्टार्ट करेंगे कीपिंग सेक्शन के साथ, जहां निकोलस पुरान और क्विंटन डिकॉक लेंगे आपके लिए पूरा ओनरशिप। ऑब्वियसली आपके पास बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग ऑप्शन है, ये ऐसा गेम है जहां आप चार कीपिंग ऑप्शंस भी ले सकते हो, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स एंड क्लासेन भी बहुत ही हाई क्वालिटी प्लेयर्स है। दो बिल्कुल टू पॉइंट्स टू रिमेंबर, वन इज लास्ट गेम में ग्लेन फिलिप्स फील्डिंग कर रहे थे, क्लासेन वॉज कीपिंग, बट ग्लेन फिलिप्स अगर स्लो ट्रैक रहा ऑफ स्पिन भी डाल सकते हैं वन, एंड सेकेंड वो ऐसी जगहों पर फील्डिंग करते हैं जहां कैचेस आते ही हैं। दूसरा करेक्ट पॉइंट ये है कि फॉर लखनऊ साइड ऑफ थिंग्स क्विंटन डिकॉक ग्लव्स ने ग्लव्स लिए थे, वाइल निकोलस पुरान अब तक ग्लव्स ले रहे थे, बट लास्ट गेम में उन्होंने नहीं लिया, एंड उनकी बैटिंग काफी लो आ रही है। तो अगर आपको लग रहा करेक्ट है कि ट्रैक विल स्लो डाउन, या उनके बैटिंग, या इफ यू फील ट्रैक इज टू फ्लैट एंड इज बैटिंग वोंट कम, इन सिनेरियोस को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ दिस गेम्स विच माइट एक्चुअली बी डिसाइडेड इन द कीपिंग सेक्शन। या एंड मैं अभी से कह रहा हूँ, आई विल बी वेरी टेम्पटेड टू टेक एटलीस्ट थ्री, और जो चौथा जिसपे मैं शायद रिस्क लूँ वो पूरन भी हो सकता है, क्योंकि इवेंचुअली पूरा पूरा कॉल आपको आपके गट फील का है कि क्या लाइनअप है, क्या तरीके की पिच है और उस पर कितना इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस ऐसे जब रन नहीं बन रहे तो सब गरीबी काम आती है इन टर्म्स ऑफ कैचिंग के पॉइंट्स, विकेट कीपिंग के पॉइंट्स, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है। आपको वो एक्स्ट्रा 8 और 12 पॉइंट का वो जो एज मिलता है वो बहुत क्रूशल हो जाता है। तो आई थिंक इवेंचुअली शायद मैं क्लासिन को लेके चलूंगा, पर पता नहीं पूरन के बदले या क्विंटन को तो शायद ड्रॉप नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगेन बेस्ट स्पॉट है। एक बात याद रखना चाहिए, जब भी हम स्लो डेक पे खेलते हैं देर आर टाइप्स ऑफ स्लो ओपनर्स डेक्स, कि जो ओपनर होते हैं उनके पास सबसे बेस्ट कंडीशन होता है बैटिंग करने के। तो अगर उधर जायसवाल जैसा बंदा है कोई जो फॉर्म में है,
तो उसके लिए डेक भी मैटर नहीं कर रहा, वो अपने फॉर्म पे ही आपको पॉइंट्स देके जाए। बट जनरली अगर कोई स्ट्रगल भी कर रहा है तो उसके लिए ओपनिंग इज द बेस्ट स्पॉट टू गिव यू 20-25 पॉइंट्स, उसके बाद शायद रन बनाना और मुश्किल हो जाए। तो पिच पे देख के फिर आप वो कॉल ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, एक ही ये बंदा है जो ऊपर बैटिंग करता है क्विंटन, बाकी तीनों थोड़ा नीचे बैटिंग करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग टू कीप इन माइंड। यस एब्सोल्युटली। तो ये रही कीपिंग सेक्शन की बात। अब बैटिंग सेक्शन में हमने लिए हुए हैं हमारे दो मिनिमम पिक्स, अभिषेक शर्मा एंड राहुल त्रिपाठी। अभिषेक शर्मा का फॉर्म अच्छा चल रहा है, राहुल त्रिपाठी का फॉर्म थोड़ा अप एंड डाउन रहा है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ट्रैक स्लो रहेगा एंड सामने वाली टीम के पेसर्स का फॉर्म कुछ खास नहीं है, तो हो सकता है कि जिनका बड़ा रोल यहाँ पे वो होंगे त्रिपाठी साहब। एंड त्रिपाठी साहब लखनऊ के सामने खेल रहे हैं तो जलवा भी अलग होना चाहिए। और देखो अगेन होम कंडीशन से अभिषेक शर्मा हर मैच में अभी तो बॉलिंग भी कर रहे हैं तो अनड्रॉपेबल हो जाता है। और त्रिपाठी का देखो रिस्क है पर उसका रिस्क वर्थ है। सामने आप देखिए उनको जो ट्रबल होता है पेस से, अब कौन सा ऐसा बॉलर है जिसके पास एक्सप्रेस पेस है टू ट्रबल है। तो अगर इफ ही टेक्स केयर ऑफ दैट वन मैचअप देन आई थिंक ही शुड बी फाइन। हाँ लेफ्ट आर्म स्पिन का मैचअप पूरी टीम के लिए है एसआरएच का, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट क्योंकि उसके बाद हु डू यू हैव द ऑप्शन, दीपक हुड्डा कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म, हैरी ब्रुक तो लेट्स लीस्ट डिस्कस बेटर, मयंक अग्रवाल भी वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन बट वेरी ब्रूक इज एवरेज ड्रॉप लुक। सर, फिलिप्स प्लेट लास्ट हाँ गेम मतलब था। इन केस ब्रुक कम्स बैक ऑल्सो देन हाँ इट्स वेरी टफ टू फिट हिम इन, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा आपको कि भाई ये कुछ कर दें। तो ऑप्शन वैसे इसमें से बहुत कम है, तो आई थिंक सभी की टीम में ये दो ही होंगे। यस बिल्कुल। तो ये रहे बैटर्स, ऑलराउंडर्स में पूरा गांव, काइल मेयर्स, एडन माक्रम, मार्को यानसेन, मार्कस स्टोइनिस, क्रुणाल पांड्या। दो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे हमने माक्रम को कैप्टन बनाया हुआ है, क्यों? क्योंकि सामने लखनऊ में थोड़े बहुत लेफ्ट हैंडर्स है तो अच्छा काम करके दे सकते हैं आपको बॉल के साथ भी, क्योंकि अगर ट्रैक स्लो रहा। एंड दूसरे हमारे वाइस कैप्टन जो होंगे क्रुणाल पांड्या, ये इसलिए क्योंकि उनके मैचअप्स पॉजिटिव है, जैसे निखिल भाई ने कहा लेफ्ट इन इस टीम के सामने वो त्रिपाठी को 3 बार आउट कर चुके हैं, स्ट्राइक रेट त्रिपाठी का less than 100, माक्रम को आउट कर चुके हैं 2 बार, स्ट्राइक रेट less than 50। और आई नो आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि अगर माक्रम का उनके सामने मैचअप है तो उन्हें कैप्टन क्यों बनाया, क्योंकि हमारी सोच ये है कि अगर माक्रम हमें 20 रन लाके दे दें, साथ में एक आध विकेट भी दे दे, हमारा काम वहीं पर हो जाएगा, क्योंकि इस गेम करेक्ट में ऐसा कोई सेफ कैप्टेंसी चॉइस नहीं है। एंड हमने देखा है कई बार कि जब क्रुणाल पांड्या अच्छी बॉलिंग भी करते हैं तो उन्हें विकेट्स नहीं मिलके अगर बैटिंग टीम खेल कर निकाले तो आपका दिन वहीं पर पूरा वेस्ट हो जाता है, इसलिए हमने ये अप्रोच लिया हुआ है। बिल्कुल। और ये भी याद रखना कृणाल पांड्या को कैचेस भी मिलते हैं काफी, तो इस लिहाज से थोड़ा वाइस कैप्टन ऑप्शन बेटर है। वो कैप्टन ऑप्शन पूरा गट फील कॉल है आपका, अगर आपको लगता है कि कैप्टन ऑप्शन बढ़िया है तो ऑफ कोर्स यू कैन टेक हिम। यस एब्सोल्युटली। तो ये रहे ऑलराउंडर सेक्शन में एंड बॉलर्स में नटराजन एंड बिश्नोई। ऑब्वियसली हमें लगता है क्योंकि जैसे हमने कहा ट्रैक थोड़ा स्लो रह सकता है, कटर्स को मदद मिल सकती है, तो बिश्नोई एज ए स्पिनर एंड नटराजन तो डेथ में डाल के वो कटर्स के साथ आपका काम करके ही दे सकते हैं आपको। सो हेंस ये रहे बिल्कुल। की और टीम। अगर आपको नटराजन के साथ में रिस्क लेना है तो मेरे को नटराजन के साथ रिस्क ना लेके यू कैन टेक द रिस्क विद मार्को यानसेन, एंड वहाँ पे अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेक मार्कंडे इफ यू वांट टू। तो अगेन वो भी एकदम ही पिच के हिसाब से होगा। अगर पहले बॉलिंग कर रही है एसआरएच और आपको लग रहा है कि नहीं मार्को यानसेन का नए बॉल से वैल्यू ज़्यादा है तो फिर आप मार्को यानसेन को लो। पर लखनऊ ने स्ट्रगल करा है स्पिन के खिलाफ, तो इट इज़ अ कॉल दैट यू हैव टू टेक कि आप अपनी टीम में लखनऊ के टॉप ऑर्डर बैटर ले रहे हो या कप के बैटर्स ले रहे हो, क्योंकि देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक द अपोजिट मैचअप टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो इस गेम में आपके पास देखेंगे तो बहुत विकल्प है ऐसे, क्योंकि किसी पे भी आप आग बंद करके भरोसा नहीं कर पाओगे। तो एक और गेम जो मल्टीपल टीम्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि देर आर मेनी मैचअप्स एंड द पिच इज स्लो, तो बहुत लोग गेम में होंगे तो फिर होपफुली एक गेम अच्छा जाएगा। यस एब्सोल्युटली। तो ये रही हमारी आज की बेस टीम। एंड याद रखना कि जो संडे का मेगा मैच होगा वो जल्द ही आपकी तरफ आ रहा है, जहां पे 80 लाख का प्राइस पूल होगा रैरियो पर। एंड एक रैरियो गाइड भी निकला हुआ है जहां आपको जो गेम का सेक्शन है जहां आप कार्ड सिलेक्ट करोगे वहां आपको ये भी ओपिनियन मिल जाएगा कि कौन से आपके बेस्ट कार्ड हो सकते हैं उस स्पेसिफिक गेम के लिए। तो जाइए एंड फाइंड आउट करिए कि कौन से प्लेयर्स ऐसे हो सकते हैं आपके लिए जिनको आप एक्चुअली पिक कर सकते हो। ये गाइड सेक्शन आपको ऊपर दिख जाएगा लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, एंड उसके अलावा साइन अप जरूर करेगा, ऐप लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड अब चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शंस की तरफ। गो फॉर इट सर। तो देखो ग्रैंड लीग ऑप्शंस
कुछ तो सीधे सीधे हैं जो शायद लोगों के कॉमन ऑप्शन भी हो. एक डेफिनेटली होगा मार्कस स्टोइनिस. डेफिनेटली यू हैव टू फर्स्ट सी के कितने ओवर्स बॉलिंग करेंगे. चोट लगी थी हाथ पे जिसके कारण बॉलिंग नहीं किया था ज़्यादा. तो इफ़ इज फिट टू बॉल तो बहुत अच्छे विकल्प हो जाएंगे. बट सरफेस अगर स्लो है तो फिर देन यू हैव टू स्विच फ्रॉम स्टोइनिस टू बिश्नोई या कृणाल पांड्या. तो है तो बिश्नोई अगेन कुड बी द गाय हु डज द डैमेज फॉर यू विथ थ्री विकेट्स जो चहल ने किया था कल फॉर आरा. तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम बिश्नोई. इसके बाद अमित मिश्रा खेलते हैं तो ये एक प्रॉब्लम लखनऊ के साथ है कि आपको नहीं पता कि कौन सा बॉलर है जिसके पूरे चार ओवर हो. तो यश ठाकुर अगर हैं तो वो एंड में डालते हैं. नवीन अगर वापस आते हैं टीम में किसी तरह तो नवीन को बिल्कुल टीम में रखना पड़ेगा. तो दैट इज समथिंग दैट विल हैव टू फिगर कि इंपैक्ट प्लेयर में कौन है कौन नहीं. तो ये तो होगी लखनऊ की बात. हैदराबाद से जैसे मैंने कहा अगर अखिल खेलते हैं तो मैं डेफिनेटली उन्हें ट्राई करूंगा क्योंकि बहुत वर्थ है. वो राइटीज लेफ्टीज दोनों को बढ़िया बॉलिंग कर सकते हैं और कैचेस भी पकड़ते हैं और दो तीन बाउंड्रीज भी ही कैन फाइंड. तो अगर लो स्कोरिंग गेम होता है तो काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो जाता है ये दो. बाकी बैटर्स पे तो आपको पता है हमें कितना ट्रस्ट है. यस काफी इंटरेस्टिंग गेम रहेगा मेरे पिक्स इस गेम के लिए. तो मैंने एक तो ऑलरेडी आई थिंक आपको बता दिया स्टार्टिंग में राहुल त्रिपाठी. मुझे लगता है कि जो सामने वाली ऑपोजिशन है एंड जो उनका स्पिन का प्ले है अगर वो कृणाल पांड्या को निकाल लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये उनका दिन हो सकता है. तो ये रहे मेरे हैदराबाद से पिक. वाइल लखनऊ से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था अब तक विल नॉट डिनाई कंफ्यूज्ड हूँ. सो आफ्टर द टॉस ही डिसाइड होगा. बट मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये ऐसा ट्रैक है जहाँ पे जैसे निखिल भाई ने कहा अमित मिश्रा या रवि बिश्नोई टाइप ऑफ बॉलर का दिन हो सकता है. तो अगर वो सेकेंड बॉलिंग कर रहे हैं तो आई विल बैक वन ऑफ देम. और बिल्कुल देखो द थिंग इज स्लो डेक है और दोनों ही टीम्स काफी अनरिलायबल है. तो आपका विजुअलाइजेशन बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल बिकॉज देर आरंट इनफ स्ट्रेट ऑप्शंस. माकरम भी रखा है क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा है वो अच्छा नॉक आया नहीं. तो लेट्स सी हाउ द कंडीशंस आर एट दैट ऑन द डे. Yes, absolutely. तो ये रहा हमारा आज का प्रीव्यू. थैंक यू सो मच टू everyone who tuned in. Like always, remember to hit the like button and bell icon जरूर हिट करेगा ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें. एंड आप हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. दोनों लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में. जो भी चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो आपको फाइनल टीम अपडेट ग्रैंड लीग ऑप्शन सब वहीं पर मिल जाएंगे. तो इंश्योर कि आप ज्वाइन करेगा. एंड लाइक ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस गेम माइट बी हाई परफॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की. सो रिस्पॉन्सिबली खेलिएगा एंड हैव अ गुड गेम एंड वी विल सी यू ऑल सून फॉर द नेक्स्ट वन. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. सी यू सून.